मेरे पीछे कावासाकी की तरफ से आने वाला कावासाकी 500। आज हम लोग इस बाइक का पूरा फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस बता दूं 5,24,000 इस बाइक का एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। मिनिमम डाउन पेमेंट आप लोग 25-30% तक का कर सकते हो और इस बाइक को अपना बना सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक के लुक के बारे में। तो कुछ इस तरीके का बाइक का लुक रहने वाला है। तो यहाँ पे अपने को दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोबिंग देखने को मिलने वाला, बाकी यहाँ पे पार्किंग लाइट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक का जो फ्रंट लुक है वो एरोडायनेमिक रहने वाला है, मतलब एक एग्रेसिव लुक इस बाइक का देखने को मिल जाता है फ्रंट लुक। बाकी यहाँ पे अपने को विंडशील्ड वगैरह देखने को मिल जाता है, कावासाकी का बैजिंग मिल जाता है, नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है, दोनों साइड अपने को मिरर देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करने वाले इस बाइक के फ्रंट टायर के बारे में। तो कुछ इस तरीके का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को 320mm का फ्रंट का डिस्क का साइज देखने को मिल जाएगा। डुअल चेन ABS रहने वाला ये बाइक। मैं आपको इस बाइक का टायर प्रोफाइल बता दूं, 110R17 का अपने को फ्रंट का टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। 17 इंचेस का ये एलॉय व्हील रहने वाला है। यहाँ पे अपने को निसिन का कैलिपर देखने को मिलने वाला है, डुअल पिस्टन के साथ में एक कैलिपर आता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे अपने को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये कावासाकी का बाइक है तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे USD फोक देना चाहिए, बट कोई नहीं, ये अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी जो है बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अपने को रेडिएटर वगैरह देखने को मिल जाता है और ये जो बाइक है ट्विन सिलेंडर रहने वाली है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड फेयरिंग के बारे में। तो कुछ इस तरीके का अपने को साइड फेयरिंग देखने को मिल जाता है। निंजा 500 का बैजिंग देखने को मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अपने को हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है। अगर कंपनी यहाँ पे भी अगर LED इंडिकेटर को यूज करती ज्यादा अच्छा था, बट कोई नहीं, ये जो अपना इंडिकेटर है ये भी अपना ब्राइट रहने वाला है। कुछ इस तरीके का मस्कुलर इंजन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे अपने कावासाकी का ब्रांडिंग देखने को मिलने वाला है। और ये अपना रियर ब्रेक और यहाँ पे अपने को राइडर के लिए फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। पिलियन के लिए फुटरेस्ट ये रहने वाला है। ये अपना लंबा सा एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपना कोई भी अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को नहीं मिलता, बट इस बाइक का जो एग्जॉस्ट का साउंड है मतलब वर्थ है पैसा। अगर आप लोग इस बाइक के एग्जॉस्ट का साउंड सुनोगे तो आप लोग को मजा आने वाला है। और एक चीज मैं आपको बताऊँ इस बाइक के बारे में, तो ये रहने वाला रियर का सस्पेंशन। और जो सस्पेंशन है वो चेचिस के नीचे रहने वाला है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चेचिस के नीचे तक इस बाइक का रियर का सस्पेंशन आने वाला है। बाकी अब हम लोग बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में, बटन्स का क्वालिटी क्या मिलने वाला है, इस बाइक में आपको कितना लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मीटर के बारे में। तो कुछ इस तरीके का अपने को मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। डिजाइन जो रहने वाला, डिजाइन थोड़ा सा स्पोर्टी देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल अपने पास की नहीं है, इसी कारण से मैं इस बाइक को ऑन नहीं कर सकता। बट अगर आप लोग चाहोगे तो जिस टाइम मैं इस बाइक का राइड रिव्यू लेकर आऊंगा उस टाइम मैं आपको इस बाइक का मीटर कंसोल वगैरह भी दिखाने वाला हूं। तो फिलहाल तो कुछ इस तरीके का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। ये रहा अपना इग्निशन वगैरह ऑन करने के लिए की, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अपने को स्लीपर क्लच मिलता है, कावासाकी 500 में स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को पास लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है, अपर लोअर। यहाँ पे अपने को हजार्ड के अलग से स्विच दिया गया है, लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और ये रहा अपने को हॉर्न का बटन। राइट वाले हैंड ग्रिप के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे अपने को इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, सेल्फ का बटन देखने को मिल जाता है। ये रहा अपना फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। माइलेज की बारे में बात करें तो 28 से 30 तक का ये बाइक आराम से आपको माइलेज निकाल कर दे देगी। हालांकि ये कावासाकी का बाइक है, फिर भी अगर आपको इसमें 28 से 30 तक का माइलेज देखने को मिल जाता है तो मैं बोलूंगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। टैंक के जस्ट नीचे यहाँ पे अपने को 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। पहला जो अपना डाउन रहेगा, बाकी सब अपना अप रहेगा। यहाँ पे अपने को किसी तरह का क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता, ना ही यहाँ पे अपने को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिलता है। रियर टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 130x60x817 का अपने को रियर टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। चेन ड्राइव के साथ में ये बाइक रहने वाली है। 220mm का अपने को रियर का डिस्क देखने को मिल जाता है। निसिन का कैलिपर देखने को मिलने वाला है, वो भी डुअल पिस्टन के साथ में। रियर में भी आपको 17 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट के बारे में। तो कुछ इस तरीके का अपने को राइडर के लिए सीट देखने को मिल जाता है, पिलियन के लिए सीट देखने को मिल जाता है, स्प्लिट सीट रहने वाला है यहाँ पे। और सीट कंफर्ट के बारे में बात करें, सीट कंफर्ट अपना ओके रहने वाला है। इस बाइक से हम लोग टूर वगैरह भी कर सकते हैं या फिर लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग आ चुके हैं इस बाइक के बैक पोर्शन में और कुछ इस तरीके का बैक पोर्शन रहने वाला है। और ये रहा अपना ब्रेक लाइट, यहाँ पे अपने को हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, वो भी अलग अलग पीस में। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह को यूज किया गया है तीनों साइड में। यहाँ पे आप अपने बाइक का नंबर प्लेट
होल्डर वगैरह आप एड ऑन कर सकते हो। तो गाइस मेरे को इस बाइक के बारे में जितना कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं आपको इस बाइक का प्राइस बता दूं, 5,24,000 इस बाइक का आपको एक शोरूम प्राइस पड़ने वाला है। बाइक का जो लुक है स्पोर्टी लुक रहने वाला है। आप लोग इस बाइक से सिटी में भी राइड कर सकते हो या फिर टूर वगैरह भी कर सकते हो या फिर लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। तो देरी किस बात का, आज ही विजिट करो इस शोरूम में और ये बाइक अपना बना सकते हो। मिनिमम डाउन पेमेंट आप लोग 30% तक का कर सकते हो। और आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।